राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यह है गौतम अडानी और शरद पवार के बीच एक मुलाकात। गौतम अडानी और शरद पवार के बीच जो मुलाकात हुई, आखिरकार इस मुलाकात के मायने हैं क्या? एक और जहां तमाम विपक्षी पार्टियां अडानी के खिलाफ खड़ी हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर ये निकल के आती है कि गुपचुप कमरे में अडानी और शरद पवार बातचीत करते, 2 से 3 घंटे के बीच बातचीत हुई। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अडानी को शरद पवार से बात करनी पड़ी? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी अब डरे हुए हैं और शरद पवार भी डरे हुए हैं। शरद पवार के डरने की सबसे बड़ी वजह है कि कहीं उनकी भी फाइलें ना खुल जाएं, जैसे आज तमाम विपक्षी पार्टियों की फाइलें खुल रही हैं। और अडानी ये देख रहे हैं कि भाई मेरा बचाव कौन कर रहा है, मेरे समर्थन में कौन है, उनके साथ हाथ मिलाया जाए। तो ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिस तरीके से शरद पवार और अडानी के बीच मुलाकात हुई है, माना जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे कई जो है बड़ी अगर हम बात करें संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। और शरद पवार ने ऐसे ही नहीं अडानी का समर्थन किया। शरद पवार अगर अडानी का समर्थन कर रहे हैं तो उनकी फाइलें बंद रहेंगी, किसकी? शरद पवार की। क्योंकि जहां हम संजय राउत और उद्धव ठाकरे की फाइलों को खुलता हुआ देख रहे थे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शरद पवार की फाइलों पर ऐसे मिट्टियां लग रही हैं। क्योंकि शरद पवार इस बात को समझ रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, सरकार के खिलाफ बात करना यानी कि शेर के मुँह में हाथ देने जैसे वाली बात है। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे, वो ये जाहिर तौर पर बताते कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। और शरद पवार और अडानी की मुलाकात आने वाले राजनीति के माहौल में बहुत कुछ बदलाव करती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।